जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करेंगे हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी के बारे में। इसमें भी लगातार गिरावट ही देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से, और गिरावट की वजह से जाहिर सी बात है कि जो आम जनता है और खासकर वो लोग जो हाल फिलहाल के दिनों में इसमें इन्वेस्टमेंट किए हैं उनकी चिंता लाजिम है, वो काफी घबराए हुए हैं। तो ये जो आप घबराए हुए हैं इसको इस चिंता को इस वीडियो में दूर करने का प्रयास करूंगा। मैं सबसे पहले लेकर चलता हूँ आपको बीएस इंडिया वेबसाइट पर, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स को समझते हैं, उसके बाद आगे की योजना बनाएंगे हम लोग कंपनी के चार्ट को समझते हुए कि यहाँ पे हमें क्या करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे हम लोग बीएस इंडिया वेबसाइट पर आए हैं और यहाँ पे मैंने एडवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी को ओपन किया हुआ है। देखिए ये स्टॉक अभी ईएसएम स्टेज वन की कैटेगरी में है, और कल जब मैंने वीडियो बनाया था एम्पावर इंडिया के ऊपर तो आपको बताया था कि जो ईएसएम स्टेज वन की कैटेगरी होती है ना, वो उतनी घातक नहीं होती जितनी की स्टेज टू की कैटेगरी होती है। और स्टेज वन में है तो ये बहुत मतलब एक अच्छी बात है कि स्टेज वन में जो स्टॉक्स होते हैं वो जल्दी ईएसएम की कैटेगरी से बाहर आ जाते हैं। तो आप मान के चल सकते हैं कि ये जो ईएसएम की कैटेगरी में स्टॉक अभी है स्टेज वन में, इस मंथ के लास्ट तक इससे बाहर आ सकता है। और एक बार ईएसएम की कैटेगरी से बाहर आ गया तो जब आप इसमें देखेंगे कि ये बार बार जो स्टॉक लोअर सर्किट में चल रहा है, लोअर सर्किट से भी स्टॉक आपको बाहर निकलते हुए दिखेगा। आपको देखेंगे पिछले कई दिनों से स्टॉक आपको लोअर सर्किट में चलते हुए दिखेगा, हालांकि बीच बीच में इसे स्टॉक में अपर सर्किट भी लग रहा है। जबकि यहाँ पे देखेंगे लास्ट जो इसमें अपर सर्किट लगा था अभी हाल के दिनों में ही लगा था यहाँ पे 5 अप्रैल के डेट में, तो बीच बीच में अपर सर्किट तो लग रहा है, जिससे कि यहाँ पे अपर सर्किट लगा फिर यहाँ पे भी लगा, लेकिन उससे ज़्यादा इस स्टॉक में लोअर सर्किट आपको देखने को मिलेगा। और अपर सर्किट इसलिए भी लग रहा है क्योंकि आपको एक चीज़ यहाँ पे देखना होगा, बीच बीच में जो बल्क डील हो रहा है, जो हैवी मात्रा में क्वांटिटी को बाई किया जा रहा है, स्टॉक का प्राइस जैसे नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है, तो लोग एवरेजिंग जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ पे एक हैवी क्वांटिटी में बाई कर रहे हैं ताकि एक अच्छा सा एवरेजिंग हो सके, और इस बल्क डील की वजह से इसमें अपर सर्किट लग जा रहा है। हालांकि बल्क डील होने के बाद फिर से स्टॉक का प्राइस नीचे आ रहा है, और जहाँ जहाँ नीचे आ रहा है वहाँ वहाँ पर जो बड़ी पार्टी है वो इसमें बल्क डील कर रही है, एक हैवी क्वांटिटी इस स्टॉक से बाई कर रही है, ताकि जब भी स्टॉक का प्राइस बढ़ना शुरू हो और इसमें अपर सर्किट लगना शुरू हो तो उनको एक अच्छा खासा मुनाफा हो सके। जो बड़ी पार्टियां होती हैं, जो ऑपरेटर्स होते हैं, ऐसे ही काम करते हैं। हालांकि इसमें देखिए ये बात तो तय है कि देर सवेर स्टॉक का प्राइस ऊपर ही जाएगा, अभी नीचे आ रहा है, कितना नीचे आ सकता है चलिए इसको समझते हैं लोग कंपनी के चार्ट पर। एडवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी का जो शेयर प्राइस लगातार नीचे आ रहा है, कितना नीचे आ सकता है इसको समझने के लिए हम लोग कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस को समझना होगा, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 1 साल का चार्ट ओपन किया हुआ है। 1 साल के चार्ट पर आप देखेंगे प्राइस लगभग यहाँ से समझ सकते हैं जीरो से ही कह सकते हैं कि बढ़ना शुरू हुआ था, बढ़ के आपको आया तकरीबन 1 रुपये 80 पैसा तक। इतना बढ़ने के बाद प्रॉफिट बुकिंग बनता है, जाहिर सी बात है प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, जिसकी वजह से प्राइस नीचे आ रहा है। प्राइस कह सकते हैं कि एक प्रकार से अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास ही ठहरा हुआ है, 1 रुपये 20 पैसे के आसपास। इसके नीचे आने के चांसेस हैं अभी जिस हिसाब से मार्केट की कंडीशन है और जिस हिसाब से स्टॉक्स के प्राइस मूव कर रहे हैं, प्राइस थोड़ा सा नीचे आ सकता है, लेकिन कितना नीचे आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपये के नीचे आ सकता है, 1 रुपये तक आ सकता है। 1 रुपये एक प्रकार से साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी होता है, 1 रुपये 2 रुपये। तो यहाँ तक आने के बाद मान लीजिए यदि इस लेवल को ब्रेक करता है तो प्राइस 1 रुपये तक आएगा, और यहाँ तक आने के बाद फिर प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर उठेगा, और यहाँ से प्राइस ऊपर उठेगा तो इजिली आपको 1 रुपये 80 पैसा तक और फिर 2 रुपये तक शॉर्ट टर्म आपको यहाँ तक जाते हुए दिखेगा। तो आपको करना क्या है, घबराना तो बिल्कुल नहीं है। जहाँ पर भी आपने मान लीजिए बहुत से लोग हो सकते हैं कि 1.5 रुपये के आसपास बाई किए हों, फिर भी एकदम मैं मान कर चलता हूँ कि आपने टॉप पे बाई किया है, फिर भी मत घबराइए, क्योंकि अब घबराएंगे तो लॉस में बेचना पड़ेगा, और लॉस में बेचने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि देर सवेर इसका प्राइस ऊपर ही जाएगा। तो आप क्या कीजिए कि आप बस वेट कीजिए, देखिए प्राइस कैसा मूवमेंट कर रहा है। 1 रुपये 20 पैसा से गया नीचे आता है, नीचे आता है तो जैसे मैंने बताया कि बहुत बहुत नीचे आएगा तो 1 रुपये तक आएगा, 1 रुपये तक आएगा, फिर यहाँ से प्राइस आपको रिट्रेसमेंट करके ऊपर उठेगा, और जब ऊपर उठेगा तो इजिली आपके जो भी लॉसेज हो रहे होंगे उसको रिकवर कर देगा और आपको प्रॉफिट मिला देगा। जब प्रॉफिट में आएगा आप आ जाएंगे, उसके बाद बिचेगा बेचने की कोई हड़बड़ी या कोई बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, पेशेंस रखेंगे तो पेशेंस से ही स्टॉक मार्केट में आपको पैसा बनते हुए दिखता है। तो ये तो हो गया टेक्निकल चार्ट जो आपको बोल रहा है शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है, वो मैंने बता दिया। बाकी कंपनी के काम धाम फंडामेंटल के बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड में आपको एनालिसिस करके बताया हुआ है कि कंपनी जो काम करती है उसके बेसिस पे भी लॉन्ग टर्म में कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी आने के चांसेस है, क्योंकि ये आईटी से संबंधित कामकाज करती है। जो आईटी रिलेटेड कंपनियां उनको ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उनको इसकी सुविधा मुहैया कराती है। तो जो आईटी सेक्टर में इन दिनों तेजी है या लॉन्ग टर्म में भी आईटी सेक्टर में तेजी बनने के चांसेस रहेंगे, तो इसके बलबूते कर सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस भी लंबी अवधि में आपको बढ़ते हुए दिखेगा। बाकी फंडामेंटल भी कंपनी का ठीक है, तकरीबन 200 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है। पेनी स्टॉक में तो हम यही देखते हैं कि मार्केट 100 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ तो 200-250 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है, तो ओवरऑल ठीक है। पी महंगा है क्योंकि डिमांड स्टॉक का है, तो पी तो महंगा होगा, और आईटी सेक्टर के कंपनी का पी महंगा होता ही है।
शेयर प्राइस भी ठीक ठाक जगह पे है, एवरेजिंग अभी मत कीजिएगा, प्राइस को ऊपर निकलने दीजिए। बाकी रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे गायब है क्योंकि पेनी स्टॉक में सामान्य रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं दिखता। आपको वेट करना है बस कंपनी के क्वार्टर्स के रिजल्ट आने का, जो क्वार्टर फोर के नंबर आने हैं, क्वार्टर फोर के नंबर यानी कि जो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है आ जाने दीजिए, उसमें आपको दिखेगा जैसे पिछले कुछ क्वार्टर से देखेंगे तो कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ रहा है। इस बार जो क्वार्टर फोर के नतीजे आएंगे, मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, उसमें भी कंपनी का सेल्स आपको जबरदस्त तरीके से बढ़ते हुए दिखेगा। सेल्स बढ़ेगा तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, नेट नेट प्रॉफिट भी आपको बढ़ते हुए दिखेगा, और ओवरऑल ये सारे जो प्रॉफिट और सेल्स बढ़ेंगे इसका फायदा कंपनी के शेयर प्राइस में होते हुए दिखेगा, क्योंकि जब कंपनी का फंडामेंटल बेहतर होता है तो फंडामेंटल बेहतर होता है तो रिफ्लेक्ट करता है कंपनी के शेयर प्राइस में, और उसके बाद शेयर प्राइस आपको ऊपर जाते हुए दिखता है। तो उम्मीद करता हूँ एडवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में जानकारी मैंने आपको दी आपको समझ में आ रहा होगा। मन में कोई सवाल है कन्फ्यूजन तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।